हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका निबू जो सर्टिफिकेट है वो अगर आपसे खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो उसके बदले में जो है आपको उसका रिप्लेसमेंट मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वन ऑफ हमारे जो यूजर्स है उनका जो निबो सर्टिफिकेट है वो उन्होंने कहीं पर जो है वो खो दिया है। तो उनका ये कहना है कि मेरा जो निबो सर्टिफिकेट जो मैंने मेरे हाथ से जो खोया है तो मुझे क्या उसका रिप्लेसमेंट मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो ये वीडियो खास इसी के ऊपर है। तो दोस्तों, जब भी आप निबोश का कोर्स पास कर लेते हो तो आपको जो है निबोश की तरफ से जो है एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब जो भी रेगुलेटरी ऑथोरिटी होती है उनको जरूरत होती है कि आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सच में कहीं पर खो गया है या फिर चोरी हो गया है या फिर आपको नहीं मिला है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये उनके पास जो है वो होनी चाहिए। जैसे ही आप उनको इत्तला करते हो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहीं खो गया है या फिर चोरी हो गया है, तो उसके लिए जो है आप जो है आपका जो लर्निंग पार्टनर रहेगा उनके पास जो है इसके बारे में जो है अर्जी कर सकते हो। तो उसके लिए जब आप एप्लीकेशन करते हो तो उसके बाद जो है आपको उसका रिप्लेसमेंट जो है वो दिया जाता है। लेकिन नया जो रिप्लेसमेंट वाला जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा तो उसके ऊपर जो है री इश्यू करके जो है ऐसा मार्क रहेगा और वहां पर री इश्यू डेट जो है वो वहां पर प्रिंटेड होती है। जबकि आपका जो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट रहता है निवोश का तो उसके ऊपर जो रेफरेंस नंबर रहता है वो यहाँ पर सेम रहता है। जब आपको सर्टिफिकेट जो है वो रीइश्यू किया जाता है तो उसके बाद आपका जो ओरिजिनल वाला जो सर्टिफिकेट है जो आपसे खो गया हो या फिर चोरी हो गया हो तो वो फिर बाद में जो है वैलिड नहीं रहता है। अगर बाद में जो है जो आपका खोया हुआ या फिर जो चोरी हुआ जो सर्टिफिकेट है जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाता है और उसको जब आप निबोश को जो है प्रेजेंट करते हो ऑथेंटिकेशन के लिए तो वहां पर जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो है ये इनवैलिड है। अब अगर आप बार बार जो है रीइश्यू के लिए जो है अगर आप अर्जी देते हो आपका जो लर्निंग पार्टनर रहेगा उनको या फिर आपके लर्नर्स को, तो उसके बारे में जो है फिर यहाँ पर जो है उनकी तरफ से जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है क्योंकि ये जो है ये आप बार बार जो है रीइश्यू क्यों कर रहे हो। और उस इन्वेस्टिगेशन में देखा जाता है कि उनको अगर कोई अगर आप जो है फ्रॉड कर रहे हो ऐसा अगर उनको कोई एविडेंस मिलता है या फिर आपकी ओर से जो है कोई ऐसी निग्लिजेंट एक्टिविटी अगर होती है और वो अगर फाउंड कर लेते हैं ऐसा अगर को एविडेंस अगर मिलता है तो उसके बारे में जो है वो फिर बाद में जो है निबोश को रिपोर्ट करते हैं और फिर इसको जो है एक मैल प्रैक्टिस करके जो है एज अ ट्रीट किया जाता है और फिर इसके बारे में जो है रिपोर्ट किया जाता है जो एप्रोप्राइट जो ऑथोरिटीज होती है उसको। तो ओवरऑल यहाँ पर निबोश का यही कहना है कि अगर आपका निबोश सर्टिफिकेट अगर आपसे खो गया है या फिर चोरी हो गया है तो उसका जो है आपको रिप्लेसमेंट मिल सकता है। तो रिप्लेसमेंट मिलने के बाद जो है उसके ऊपर जो है रीइश्यू करके जो है वहां पर जो है मार्क रहेगा, साथ ही साथ रीइश्यू का जो है वहां पर डेट भी जो है वहां पर प्रिंट रहने वाला है और जो ओरिजिनल जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा फिर जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। तो इस बात का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि अगर आपका निबो सर्टिफिकेट अगर आपसे खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो उसका जो है रिप्लेसमेंट आपको मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।